हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम बनाएंगे ये 2 से लेके 4 साल की बेबी गर्ल के लिए, लड़की के लिए बहुत ही स्टाइलिश स्वेटर। तो सबसे पहले इसके लिए हमें 4-ply एक्रेलिक यार्न लेनी है और चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए 4-ply एक्रेलिक यार्न ली है, थोड़ी सी बारीक है ये। तो 10 नंबर की सिलाई पर हम बुनेंगे 10 नंबर नीडल्स। अगर आप मोटी वूल यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से थोड़े कम फंदे ले लीजिएगा। और इस तरह से हमने धागे को डबल करके और नॉर्वेजियन से कास्ट ऑन करने हैं फंदे। आप जो तरीका चाहें उससे फंदे ये कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो पहले हम 50 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ये और नॉर्वेजियन इसका मैं लिंक ये भी दे रही हूँ ऊपर, ये देखिए यहाँ से भी आप ये सीख सकते हैं। तो ऐसे हम पहले ये 50 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, यानी कि 25 जोड़ हमने फंदों के कास्ट ऑन कर लेने हैं। तो हमने ये 50 जोड़ फंदों के कास्ट ऑन कर लिए हैं, सॉरी 25 जोड़ यानी कि 50 फंदे टोटल हमने कास्ट ऑन किए हैं। अब हम दोनों तरफ से इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। पहले हम ये रो पूरी सीधी बुन लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे सीधे बुने, इस तरफ से भी हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए यानी गार्टर स्टिच से हमने 80 रोज 80 सिलाइयाँ बुननी है, यानी 40 धारियाँ बनेगी हमारी। तो पहले हम ये 50 फंदों की 80 रोज जो है गार्टर स्टिच की बुन लेंगे, 80 सिलाइयाँ गार्टर स्टिच से बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 80 रोज 80 सिलाई जो है 50 फंदों की बुन ली है दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए। तो हमारी ये 40 धारियाँ बनी है, 40 रिब्स बन गई है। और ये जो 50 फंदे हैं इन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और क्योंकि हमारे 2 पैनल्स बनेंगे, लेफ्ट और राइट, तो जैसे मान लीजिए अगर हम लेफ्ट पैनल बनाएंगे पहले, तो लेफ्ट पैनल का बटन बैंड इस तरफ बनेगा। तो इन फंदों को हमने कैसे डिवाइड करना है, 14 फंदे इस तरफ रखेंगे बटन बैंड वाली साइड, बीच में 24 फंदे आएंगे और इस तरफ 12 फंदे रहेंगे। तो पहले हम इन फंदों को मार्क कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये मार्क कर लिए हैं फंदे, बटन बैंड वाली साइड 14 फंदे रखे हैं, बीच में 24 फंदे रखे हैं और इस तरफ 12, 14, 24, 12। अब देखिए पहले तो ये जो 12 फंदे हैं इन्हें हम सीधे बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम एक हेल्पिंग नीडल लेंगे। तो अगर आपके पास केबल नीडल है, मार्कर रिमूव कर लेंगे और अगले 8 फंदे केबल निडल पर उतार लीजिए, या गले वाली सिलाई पे भी उतार सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, सिंपल निडल है, तो पहले इस सिलाई पे इन 8 फंदों को बिना बुने उतारेंगे, 4, 5, 6, 7, 8। और तीसरी सिलाई जो ली है हमने हेल्पिंग निडल, अब वापस इस निडल पर उतार लेंगे इन फंदों को, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लेट बनानी है, चुन्नट बनानी है। देखिए 6, 7, 8, तो ऐसे हमने इन फंदों को, 8 फंदों को इस सिलाई पे लिया है। अब ये जो हमारी वर्किंग नीडल है, देखिए ये, और इस नीडल के फंदों को हमने ऐसे जैसे 3 नीडल बाइंड ऑफ करते हैं ना, तो ऐसे एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, इसका लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। आसान तरीका है कि पहले इसे उतारेंगे ऐसे और फिर इसे उतारेंगे ऐसे, यहाँ से नीडल निकालेंगे ऐसे और इस अगले फंदे को बुनेंगे, फिर इस नीडल को इस फंदे में से भी निकाल लेंगे ऐसे। तो ये भी तरीका जो है आसानी से बुनाया जा सकता है। ये देखिए ऐसे हमने इन 2 फंदों का एक एक करते हुए, जो ये हमारे 16 फंदे हैं, 8 इस नीडल पर 8 उस नीडल पर, अब ये 8 ही रह जाएंगे ऐसे। एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से लेंगे और इन 2 का 1 करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये देखिए
एक साइड की प्लीट बनाई। अब दूसरी साइड की प्लीट बनाने के लिए फिर से हम इन 8 फंदों को पहले इस सिलाई पे लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस मार्कर को रिमूव कर देंगे यहाँ से और इन 8 फंदों को फिर हम इसी नीडल पर ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। लेकिन इस बार हमने इस नीडल को जो है ऐसे बैक साइड पे रखना है, ये देखिए ऐसे पीछे की तरफ को रखेंगे। जब हमने ये साइड बनाई तो इस नीडल को जो हेल्पिंग नीडल थी इसे आगे की तरफ को रखा था, अब इस साइड के लिए हम इसे पीछे की तरफ को रखेंगे और पहले यहाँ से एक फंदा लेंगे, फिर इस नीडल का एक फंदा लेंगे ऐसे, और बहुत ही टाइट कीजिएगा नहीं तो यहाँ पे गैप बन जाएगा, इसलिए टाइट टाइट करते हुए हमने इन दो का फिर से एक करना है ऐसे, एक फिर यहाँ से एक फंदा यहाँ से। इस बार हम पहले वर्किंग नीडल का फंदा ले रहे हैं और फिर हेल्पिंग नीडल का फंदा ले रहे हैं, 3, 4। तो ऐसे हम ये बाकी के 4 फंदे भी बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे हमारे ये 8 फंदों के फिर से 16 फंदों के 8 फंदे हो गए हैं। अब हमारे ये 6 फंदे बचे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये लेफ्ट पैनल बनेगा। और जब हम राइट पैनल बनाएंगे तो हमने इस तरफ 14 रखे थे फंदे, इस तरफ 12 रखे थे, दूसरे पैनल में हम इस तरफ 14 रखेंगे और इस तरफ 12। थोड़ा सा मैं दूसरा पैनल पे आपको बताऊंगी, पहले हम ये वाला बना लेते हैं लेफ्ट वाला, फिर राइट भी बनाएंगे हम। ये देखिए तो ऐसे हमारा ये डार्ट बन गया है। अब रॉन्ग साइड से ध्यान से देखिए क्या करना है, हमने पहले फंदे को स्लिप किया पर्ल वाइज क्योंकि रॉन्ग साइड है ये। अब हम एक फंदा ये सीधा बुनेंगे, इस एक फंदे के 2 बनाएंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमारे स्लिप करने के बाद ये 4 फंदे बने। अब ऐसे ही हमने उल्टे फंदे बुनने हैं, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदे को उल्टा 2 बार बुनकर यहाँ पे 2 फंदे बना लेंगे और फिर से एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने रिपीट करते जाना है। फिर से देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इस एक फंदे के सीधा बुनते हुए 2 बनाएंगे और फिर से एक फंदा सीधा, फिर ऐसे ही एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनते हुए ही एक के 2 बनाएंगे और फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हमने ये 4 फंदे सीधे और 4 उल्टे बनाते हुए पूरा जो है रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 उल्टे 4 सीधे फंदे बना लिए हैं और अब हमने इन जो 4 सीधे और 4 उल्टे फंदे हैं, देखिए एक फंदा स्लिप किया, 3 फंदे ही उल्टे आ जाएंगे, 1, 2, 3, फिर ये 4 फंदे सीधे 4 उल्टे 4 सीधे। ऐसे हमने अब 4x4 रिब यानी कि 4 सीधे 4 उल्टे की 10 सिलाइयां बुन लेनी है, 10 रोज हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब ये देखिए 4 उल्टे आ गए फिर 4 सीधे, तो 10 रोज पहले ये बना लेंगे 4x4 रिब की। ये देखिए हमने इस तरह से 10 रोज 10 सिलाइयां बना ली है। और अभी हमने जो इतना बनाया है, अभी इतना हम जो है दूसरा पैनल भी बना लेंगे ताकि आपको इजीली ये दोनों पैनल्स एक साथ स्टार्ट करने में आसानी रहे। तो देखिए दूसरे पैनल के लिए हमने फिर से यहाँ पे 50 फंदों पे 80 सिलाइयां 80 रोज बुन ली है सीधी सीधी दोनों तरफ से। तो फिर से हमारी 40 धारियां बनी है। और जैसे हमने जब ये वाली साइड बुनी थी तो इधर हमने बटन बैंड रखना था, इसलिए हमने 14 फंदे रखे थे, फिर 24 और फिर 12 रखे थे। तो इस तरफ हम जो है क्योंकि बटन बैंड हमारा अब इस तरफ बनना है, तो हम 14 फंदे यहाँ रखेंगे, फिर बीच में 24 और फिर 12, 14, 24, 12। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए 14, 24, 12 फंदे हमने ऐसे रखे। अब इस तरफ ध्यान से देखिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा बताऊंगी आपको मैं, क्योंकि देखिए अब हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे, एक को स्लिप किया, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, तो ये 6 फंदे आ जाएंगे हमारे, 4, 5, 6। अब अगले 8 फंदों को हमने बिना बुने उतार लेना है ऐसे, अगर केबल नीडल है तो डायरेक्ट उस पे उतार लीजिएगा, ऐसे बिना बुने उतारा,
और जो हमारी हेल्पिंग नीडल हम ले रहे थे ऐसे, इस पे इन्हें वापस ले लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे लिया। अब इसे आगे की तरफ को रखेंगे हेल्पिंग नीडल को, और जैसे हमने उस तरफ किया था ऐसे दो फंदों को एक करते हुए बुनते जाएंगे। थोड़ा टाइट कर लीजिएगा। तो ऐसे हमने ये 8 के 8 फंदे जो है, दो फंदे लेते हुए एक एक फंदा बनाते हुए 8 फंदे बना लेने हैं पहले। तो देखिए हमने इन 8 फंदों का एक एक फंदा करते हुए एक ही सिलाई पे ले लिया, तो ये प्लीट हमारी बन गई। अब अगले 8 फंदों को फिर से लेंगे इसी सिलाई पे, अगर हेल्पिंग नीडल है तो डायरेक्ट, अगर केबल नीडल है तो उसी पे ले लेंगे, 2, 4, 6, 7, 8 और फिर से इन फंदों को हेल्पिंग नीडल पर लेंगे। लेकिन इस बार जो हेल्पिंग नीडल है हमारी तीसरी सिलाई जो है, इसे पीछे की तरफ को रखेंगे बैक साइड पे। तो पहले इन 8 फंदों को इस पे ले लेते हैं। ये देखिए इन 8 फंदों को पीछे की तरफ को लिया। अब फिर पहले इस नीडल का फंदा लेंगे और फिर हेल्पिंग नीडल का लेंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे। और यहाँ पे धागे को टाइट कर लीजिएगा थोड़ा खींच कर, ताकि गैप ना बने ऐसे। फिर अगला फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे ही हम इन 8 फंदों को भी आपस में जोड़ लेंगे, मर्ज कर लेंगे। तो ये सारे फंदे ऐसे ही बुन लेते हैं 8 के 8। ये देखिए हमने इन 8 फंदों को भी ऐसे ही ले लिया है। अब हम मार्कर हटा देंगे और बाकी के फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये पहले पूरी रॉ सीधी बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरफ की भी हमारी ये प्लीट्स बन गई है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने फिर से 4-4 फंदे बनाने के लिए पहले फंदे को स्लिप किया। देखिए एक फंदा सीधा, फिर इस सीधे फंदे के 2 बना देंगे सीधा बुनते हुए, फिर एक फंदा सीधा जैसे हमने उस तरफ किया था, ऐसे ही उल्टा फंदा एक उल्टा बुनेंगे, दूसरे उल्टे फंदे के 2 बना लेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा। तो इस तरफ भी ऐसे हमने ये 4-4 फंदे बना लेने हैं, एक सीधा फिर इस सीधे के 2 बनाए, फिर एक सीधा, ऐसे ही एक उल्टा, फिर एक उल्टे के 2, फिर एक उल्टा। तो पूरी रो ऐसे बना लेंगे। तो इन फंदों को फिर से हमने 4-4 बना लिया। अब जैसे हमने ये 10 सिलाई बुनी थी 4 उल्टे 4 सीधे की, तो ऐसे ही इस तरफ भी ये 10 रोज 10 सिलाई 4 फंदे सीधे 4 उल्टे की बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये 10 रोज पहले बना लेंगे। ये देखिए इसके भी हमने 10 सिलाई जो है 4 सीधा 4 उल्टा की बुन ली, और ये दोनों हमारे जो है पैनल्स यहाँ तक बन चुके हैं। और ये देखिए जिस तरफ को बटन बैंड है हमारी प्लीट भी उस तरफ को ही बनी है, इसकी भी और इसकी भी, ये बटन बैंड, इसका बटन बैंड ये। अब पहले हम किसी भी एक पैनल का जो है आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरफ बटन बैंड है तो इस तरफ आर्म होल की कटिंग होनी है, तो पहले हम इसी पैनल की कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने 4 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, क्योंकि हमने फंदे बढ़ाए हैं इसलिए हम आर्म होल की कटिंग थोड़ी सी डीप करेंगे, गहरी करेंगे। तो पहले हम 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, 3 और ये 4। 4 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद इस तरफ से, यानी राइट साइड है ये हमारी, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरफ से तो हमने इन फंदों को सीधा बुना है, लेकिन इस तरफ से हमने, ये देखिए यहाँ से 12 फंदे जो है वो केबल के लिए रखने हैं। तो इसलिए रॉन्ग साइड से ध्यान से देखिए हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर हमने 12 फंदे सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 12 फंदे सीधे बुने। अब हम 12 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3,
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये बारह। अब बाकी के फंदे सारे फिर से सीधे बुन लेंगे और लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे लास्ट फंदा उल्टा। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद अब हम इस तरफ से तीन फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, एक, दो, तीन। बाकी हमने पूरी रो सीधी बुन लेनी है। तो ये बाकी हम सारे के सारे फंदे जो है वो सीधे बुन लेते हैं पहले। तो इन फंदों को इस तरफ से सीधा बुना है और इस तरफ से फिर से हमने एक फंदा स्लिप किया। देखिए 12 फंदे सीधे, फिर 12 फंदे उल्टे, दस, ग्यारह, बारह, फिर 12 फंदे उल्टे और बाकी की रो पूरी सीधी बुन लेंगे। लास्ट फंदा फिर उल्टा बुनना है एच स्टिच। तो ये वाली रो भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये 12 फंदे उल्टा है, अब बाकी पूरी रो सीधी बुन लेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। तो ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। अब हमने देखिए पहले चार फिर तीन फंदे बाइंड ऑफ किए थे, अब हम दो फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, एक, दो। बाकी हम पूरी रो फिर से सीधी बुनेंगे, लेकिन इस बार हमने ट्विस्टिंग भी करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे सीधे फंदे दिख रहे हैं जो उस तरफ से हमने उल्टे बुने थे, यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुनेंगे। थोड़े से फंदे ही रह गए हैं, इन्हें सीधा बुन लेते हैं ऐसे। अब ये जो हमारे 12 फंदे हमने रखे हुए हैं, ये देखिए इनमें से हमने ट्विस्टिंग करनी है। पहले 6 फंदों को उतारेंगे ऐसे। अब ये जो पीछे वाले 3 फंदे हैं इन्हें पीछे से, और जो ये आगे वाले 3 फंदे हैं इन्हें आगे से लेकर आएंगे ऐसे। और पहले हम इन्हें सीधा बुन लेंगे, एक, दो, तीन, फिर इन 3 फंदों को भी सीधा बुन लेंगे। अब ऐसे ही हमने जो इस तरफ के 6 फंदे हैं उनमें लेफ्ट की तरफ को ट्विस्टिंग करनी है। तो इन 3 फंदों को हमने आगे लेकर आना है और इन 3 फंदों को पीछे से आगे लाएंगे ऐसे। आप चाहे तो केबल नीडल की हेल्प से भी कर सकते हैं ये। अब पहले इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, फिर इन 3 को। तो हमने 4 सिलाई सिंपल बुनी, फिर 5वीं सिलाई में हमने ये ट्विस्टिंग करी। और अब देखिए बाकी के फंदे फिर हम सीधे बुन लेंगे, एक, दो, तीन, चार। तो ये पूरी रो पहले हम सीधी बुन लेते हैं। ये देखिए ये हमने बुन ली। अब 6ठी सिलाई 6th रो जो है केबल की, इसमें फिर से हम एक फंदा स्लिप करके 12 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 12 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर बाकी की पूरी रो फिर से सीधी बुन लेंगे। तो ये वाली रो भी हम अपना कर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये 12 फंदे हो गए, अब 12 फंदे उल्टे और फिर बाकी के बचे हुए फंदे जो है उनको सीधा बुन लेंगे। तो ये रो पहले बना लेंगे हम। ये रो बुन ली है हमने। अब फिर इस तरफ से हम लास्ट टाइम जो है हमारा ये एक फंदा कम होगा तो हम एक फंदा बाइंड ऑफ करेंगे। तो हमने 4-3-2-1 की कटिंग कर ली, 4-3-2-1। अब हम यहाँ से कोई फंदा बाइंड ऑफ नहीं करेंगे अगली सिलाई से। अब बाकी हम पूरी रो जैसे सीधी बुन रहे थे वैसे सीधी बुन लेंगे। तो 2 सिलाई में आपको बताऊंगी पहले कि हमने क्या करना है। इस रो में हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, तो ये पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। तो इस तरफ से हमने ये सारे फंदे सीधे बुने, रॉन्ग साइड से हम वही करेंगे। एक फंदा स्लिप करने के बाद 12 फंदे सीधे, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12,
फिर 12 फंदे ये उल्टे आएंगे, ये केबल वाले, इन्हें उल्टा बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। और फिर जो बाकी के फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। तो ये वाली रॉ आप पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बुन लिया है। अब ये जो हमने लास्ट की 2 सिलाइयाँ बुनी हैं, इनको 3 बार और रिपीट करेंगे, यानी अगली 6 सिलाइयों में इस तरफ से सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे और उल्टी तरफ से ये 12 फंदे सीधे, फिर ये 12 फंदे उल्टे और ये बाकी के फंदे सीधे बुन लेंगे जैसे बुन रहे हैं रॉन्ग साइड से। तो पहले ये 6 सिलाई और बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 सिलाई और बुन ली, यानी कि हमने जो ट्विस्टिंग की थी उसके बाद हमने उल्टी सिलाई तो बुनी, उसके बाद हमने 8 सिलाइयाँ सिंपल बुन ली है, जिसमें हमने इस तरफ से सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से बाकी फंदे सीधे और ये बीच के 12 फंदे उल्टे बुने। अब इस रॉ में हमने फिर से जो है इन फंदों में ट्विस्टिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने पहले की थी वैसे ही हम ये ट्विस्टिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी हमने, ताकि और लैंग्वेजेस के जो हैं हमारे सब्सक्राइबर्स उन्हें भी समझ में आ जाए कि अब हमने क्या करना है। तो ऐसे हम फिर से ये ट्विस्टिंग कर लेंगे। देखिए 3 फंदों को राइट की तरफ को, यानी कि दाईं तरफ को ट्विस्ट करना है ऐसे, और फिर अगले 3 फंदों को बाईं तरफ को ट्विस्ट करना है। तो ये ट्विस्टिंग करेंगे फिर रॉन्ग साइड से जैसे बुन रहे हैं, उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे दोनों तरफ। तो ये 2 सिलाई बना लेंगे। तो देखिए ट्विस्टिंग की हमने फिर से रॉन्ग साइड वाली रॉ भी पूरी कर ली। अब फिर हम 8 सिलाई जो है प्लेन बुनेंगे सिंपल, फिर ट्विस्टिंग करेंगे। तो ये हम 2 बार ट्विस्टिंग कर चुके हैं, 2 बार और हम ट्विस्टिंग करेंगे। और जब हम इसके बाद दूसरी बार ट्विस्टिंग करेंगे, इसके बाद एक बार और फिर जो करेंगे हम, यानी कि टोटल 4थी बार जो ट्विस्टिंग करेंगे, तो लास्ट के 3 फंदे जो है वहां तक हम फिर इन फंदों को ट्विस्टिंग करने के बाद बुन लेंगे, लास्ट के 3 फंदों तक। तो ये बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4थी बार ये ट्विस्टिंग की हमने, और जैसे मैंने बताया था लास्ट के 3 फंदों तक हमने बुना। अब इन 2 का हम एक करके यहाँ पे वी गले की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो 2 का एक किया और इस फंदे को सीधा बुन लिया। अब इस तरफ से एक फंदा हमारा कम हो गया है, तो स्लिप करने के बाद हमारे 11 फंदे सीधे आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12 फंदे उल्टे, बाकी के फंदे सीधे। तो बाकी हमने जैसे बुन रहे थे रॉन्ग साइड वैसे ही बुननी है। तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे। अब तो ये रो हमने बुन ली। अब इस तरफ से ये देखिए, ये हम होल है हमारा, इस तरफ से हमने अब इन सारे फंदों को लास्ट के 3 फंदों तक सीधा बुनना है, क्योंकि ट्विस्टिंग हम कर चुके हैं पिछली रो में। अब 8 सिलाई हमारी सिंपल बननी है, तो उनमें से हम सीधी तरफ से इन देखिए सारे फंदों को लास्ट के 3 फंदों तक पहले सीधा बुन लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए इन फंदों को हमने लास्ट के 3 फंदों तक सीधा बुना। अब फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और एक फंदा सीधा, यानी हमने हर सीधी तरफ से यानी राइट साइड से 2 का 1 करना है लास्ट के फंदों में, और लास्ट फंदा सीधा। अब फिर रॉन्ग साइड से जैसे है फंदे, इस बार हमारे ये 10 फंदे सीधे आएंगे स्लिप करने के बाद, फिर 12 उल्टे आएंगे। तो ये रो बुन लेंगे और ऐसे ही एक एक फंदा हम तब तक कम करते जाएंगे जब तक यहाँ पे ये हमारे जो है 2 फंदे नहीं रह जाते हैं। ये देखिए इस तरफ से हम एक एक फंदा कम करते गए और अभी हमारे पास ये 3 फंदे हैं इस साइड, और आर्म होल की हमारी जो है लेंथ काफी ज्यादा हो चुकी है। ये लास्ट रो है और इसमें हमारे पास अभी 26 फंदे हैं, 26 स्टिचेस हैं, और हमें इन फंदों को थोड़ा सा कम करना होगा क्योंकि केबल के लिए हमें ज्यादा फंदे चाहिए थे। तो देखिए ये हम 3 फंदे तो सीधे बुनेंगे, जो केबल वाले फंदे थे 12 उसमें से 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 का 1, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 का 1, एक फंदा उल्टा, फिर 2 का 1, एक फंदा उल्टा। अब ये हमारे सीधे फंदे हैं, इनमें भी हमने थोड़े से फंदे कम कर लेने हैं। 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे,
और फिर बाकी फंदे सीधे। तो ऐसे हमने ये रो कंप्लीट कर ली है, लास्ट रो। और अभी हमारे पास टोटल 20 फंदे हैं, 20 स्टिचेस हैं हमारे शोल्डर के लिए। तो ये हमारी एक साइड जो है इस तरह से बनकर कंप्लीट हुई है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम ये दूसरी साइड भी कंप्लीट करेंगे। देखिए ये ऐसे आएगा, यानी कि हमारी केबल यहाँ पे बनेगी। और ये जो फंदे हमने इस तरफ रखे थे 12 फंदे और एक एच स्टिच, वो हम इस तरफ रखेंगे और आर्म होल की कटिंग इस तरफ करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो बिगिनर्स होते हैं वो कई बार ये गलती कर देते हैं, 4 3 2 1 करके हमने ये आर्म होल की कटिंग करनी है। बीच में ये केबल रखेंगे जैसे ये रखी है, और फिर ऐसे ही वी गले की कटिंग भी कर लेंगे। तो ये अब दूसरी साइड बना लेते हैं, फिर आपको और इजीली समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप बिगिनर है, ये हमने सारे फंदे सीधे बुनिए हैं इस रो में, फर्स्ट रो में। अब इस तरफ से हमने फंदे जो है आर्म होल के लिए कटिंग करनी है। तो उल्टा बुनते हुए पहले 4 फंदे हम ऐसे ही बाइंड ऑफ करेंगे, 1 2 3 4 4 फंदे हमने ये बाइंड ऑफ किए। अब हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे इस तरफ से, 25 फंदे काउंट करके वहां पे हम पहले मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए यहां तक हमारे ये 25 फंदे हैं, यहां तक हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसे। अब ये 25 फंदे हैं, इसमें से 12 फंदे हमारे उल्टे आएंगे और 12 फंदे सीधे आएंगे, फिर एक फंदा फिर से उल्टा जाएगा एच स्टिच। तो ये जो 12 फंदे हम उल्टे रखेंगे इसी पे हमारी फिर अब ये केबल चलेगी जैसे हमने ये बनाई है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने 4 फंदे कम कर लिए हैं, फिर 3 फिर 2 फिर 1 करके बाइंड ऑफ कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हमने जैसे ये बनाई थी 4 बार ट्विस्टिंग की, और फिर हमने वी गले की कटिंग करना शुरू कर दी। तो सेम अब ये साइड भी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहां तक हमने बुन लिया है, ये हमारी चौथी बार ट्विस्टिंग होनी है, फोर्थ टाइम ट्विस्टिंग, जैसे हमने यहाँ पे की थी और साथ में वी गला की कटिंग करना शुरू की थी। तो यहाँ पे जो है हमने ट्विस्टिंग से पहले, क्योंकि वी गले की कटिंग इस तरफ से होनी है, तो हम एक फंदा स्लिप करके 2 फंदों को ऐसे स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करके ऐसे कम करेंगे, और फिर बाकी फंदे तो सीधे बुनेंगे और जो ये 12 फंदे हैं इनमें ट्विस्टिंग फिर से कर लेंगे। तो ये भी ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको कि कैसे वी गले की कटिंग करनी है, हर बार हमने सीधी तरफ से जब शुरू करना है तो 2 का 1 करना है एक फंदा स्लिप करने के बाद। यहाँ पे हमने लास्ट में किया था और यहाँ पे हमने रो के शुरू में करना है, और यहाँ पे ट्विस्टिंग कर लेंगे अब, और फिर जैसे ये बुना था बाकी वैसे ही चलेगा। तो ये हमारे दोनों पैनल्स पल्ले जो है बनकर रेडी हो गए हैं। और अब हम बैक बनाएंगे, पीठ बनाएंगे। और पीठ के लिए हमने जैसे 50 फंदे लिए थे, तो पीठ के लिए हमने 50 ये प्लस 2 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यानी 102 फंदों पे हमने जितनी ये सिलाइयां बुनी थी, 80 रोज 80 सिलाइयां सीधी सीधी वैसे ही बुन लेंगे। तो पहले हम बैक बना लेंगे 102 फंदों पे 80 सिलाइयां सीधी सीधी बुनते हुए। देखिए फ्रेंड्स हमने ये बैक के फंदे बुन लिए हैं, 80 सिलाइयां बुनी हैं, 40 धारियां हमारी बन गई है। और ये 102 फंदे हैं, 102 स्टिचेस हैं, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, 35 फंदे इस तरफ रखेंगे 35, और बीच में हमने 32 फंदे रखने हैं जिसमें हम ट्विस्टिंग करेंगे। मतलब कि जैसे हमने ये प्लीट बनाई थी तो वैसे हमारी बैक में एक प्लीट बनेगी 32 फंदों पे। तो हम पहले इन फंदों को डिवाइड कर लेते हैं, 35 35 32। तो देखिए हमने इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 35 35 और बीच में 32 फंदे हैं। अब पहले हम इन 35 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4। तो पहले हम इस मार्कर तक इन फंदों को बुन लेते हैं। तो ये हमने 35 फंदे बुने, अब मार्कर रिमूव करके ये जो 8 फंदे हैं इन्हें या तो केबल नीडल पर उतारेंगे या फिर इसी सिलाई पे लेंगे पहले, 4 5 6 7 8, और फिर इन 8 फंदों को हेल्पिंग नीडल पर, ये देखिए। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए अब हम वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। हमने इन 8 फंदों को पहले ऐसे उतार लेना है, और इस हेल्पिंग नीडल को हम आगे की तरफ को रखेंगे फ्रंट साइड पे,
और इन दो फंदों का एक कर देंगे अगले इस नीडल के दो फंदों के साथ। तो पहले हम इन आठ फंदों को ऐसे बुनेंगे दो का एक करते हुए। तो ये बुन लेते हैं, बना लेते हैं दो का एक। ये देखिए एक साइड के फंदों को हमने इस तरह से मर्ज कर लिया। अब फिर इन आठ फंदों को उतारेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। फिर से हेल्पिंग नीडल पर लेंगे, लेकिन इस बार हमने इसे बैक साइड पे रखना है पीछे की तरफ को। तो ऐसे हमने इन आठ फंदों को उतारा और अब हम आगे की तरफ से इन्हें ऐसे बुनेंगे। हेल्पिंग नीडल हमारी बैक साइड पे है, वर्किंग नीडल आगे है, फ्रंट पे है, और ऐसे हमने इन्हें दो का एक करते हुए बना लेना है। तो अब इस तरफ के आठ फंदों को भी हम बना लेंगे ऐसे ही। ये देखिए हमने इन आठ फंदों को भी मर्ज कर लिया। अब मार्कर रिमूव कर लेंगे और बाकी के फंदे सीधे बुन लेंगे। तो पहले ये सारी सिलाई सीधी बुन लेते हैं। तो ये हमने फंदों को सीधा बुन लिया और अब हमारे पास 86 स्टिचेस हैं, 86 फंदे हैं। अब इस तरफ से हम एक फंदा स्लिप करके चार फंदे सीधे और चार फंदे उल्टे, जैसे हमने फ्रंट में किया था, लेकिन बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंदे हैं हमारे। चार फंदे सीधे और चार फंदे उल्टे बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। चार सीधे चार उल्टे। तो ये सिलाई बुनने के बाद हमने 10, ये क्योंकि रॉन्ग साइड से हम बुन रहे हैं, उसके बाद 10 सिलाइयां और हम चार सीधे चार उल्टे की बुन लेंगे। तो ये बना लेते हैं अब। ये देखिए चार सीधे चार उल्टे की 10 सिलाइयां हमने और बुन ली। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। फिर से पहला फंदा स्लिप किया, चार फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, एक दो तीन चार, बाकी फंदे पूरे हम सीधे बुन लेंगे, पूरी रो सीधी बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरफ से भी बुना। अब इस तरफ से हम उल्टा बुनते हुए चार फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे, एक दो तीन चार, फिर बाकी पूरी रो सीधी बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने आगे क्या करना है। देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब इस तरफ से हम तीन फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो हमने चार तीन दो एक और इस तरफ से भी चार तीन दो एक करके फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। तो पहले ये फंदे हम ऐसे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए हमने चार तीन दो एक करके इस तरफ से और चार तीन दो एक करके इस तरफ से फंदे कम कर लिए। टोटल 20 फंदे चले गए हमारे, 66 फंदे रह गए हैं, 66 स्टिचेस हैं हमारे नीडल पर। अब हम 36 रोज यानी कि 36 सिलाई दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे, बिना कुछ घटाए या बढ़ाए हमने 36 रोज बुननी है। तो हमारा ये आर्म होल बनता जाएगा। तो पहले ये 36 सिलाई बुन लेते हैं। देखिए हमने ये 36 रोज 36 सिलाइयां बना ली है चार तीन दो एक की कटिंग के बाद। 18 धारियां बन गई हमारी कटिंग करने के बाद। अब इन फंदों को हमने 66 फंदे हैं, 20 हम इस तरफ रखेंगे कंधे के लिए, 20 इस तरफ रखेंगे और बीच में हमारे 26 फंदे हैं, 20 20 और 26। तो पहले इन 20 फंदों को सीधा बुन लेंगे। पहले इन 20 फंदों को सीधा बुन लेते हैं। देखिए 20 फंदे हमने ये वाले सीधे बुने। अब ये 26 फंदे जो हैं इनमें से पहले हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। तो 6 फंदे हमने ये बुन लिए। अब हम 7 फंदे इस तरफ के लिए और 7 फंदे इस तरफ के लिए बाइंड ऑफ करेंगे, यानी कि हमने 14 फंदे एक साथ बाइंड ऑफ करने हैं। देखिए एक फंदा बुना, इस फंदे को ऊपर से उतारा, एक दो तीन चार, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, थर्टीन और ये 14।
14 फंदे हमने ये बाइंड ऑफ किए पहले। अब इस तरफ के बाकी के फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, ये पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे सीधे बुने। अब इस तरफ से फिर से हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब हमारी एक साइड के फंदे पहले बुने जाने हैं, तो ये पूरी रॉ सीधी बुन लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक बुना, यहीं से अब टर्न हो जाएगा। और अब हम चार फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे बाइंड ऑफ किए, बाकी पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो अब ये और नेक्स्ट रॉ पहले हम सीधी बुन लेते हैं। तो दो सिलाई हमने ये बुन ली है, अब इस बार हम दो फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो ऐसा करने के बाद हमारे शोल्डर के लिए, कंधे के लिए 20 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए दो फंदे हमने और बाइंड ऑफ किए, बाकी पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे। तो हमारे पास कंधे के लिए 20 फंदे हो जाएंगे। ये रॉ पहले हम पूरी बुन लेते हैं। तो इन फंदों को सीधा बुनने के बाद हम एक रॉ और सीधी बुन लेंगे, बस ये लास्ट रॉ है हमारी जिसे हम सीधा बुन लेंगे 20 फंदों की। तो ये पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे। ये देखिए ये हमने पूरी रॉ सीधी बुन ली। अब हम इस तरफ के फंदों को बुनेंगे सीधा, पहला फंदा तो उल्टा बुनेंगे, नया धागा लगाएंगे यहाँ पे हम ऐसे, बाकी पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे पहले। एक दो, तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, यानी कि दो सिलाई अब हम दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेंगे। तो ये दो सिलाई हमने बुन ली। अब हम इस तरफ से उल्टा बुनते हुए ये देखिए चार फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे बाइंड ऑफ किए, बाकी पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे। तो अब ये सारे फंदे इस तरफ से भी और उस तरफ से भी सीधे बुन लेते हैं। तो ये दो सिलाई हमने बुन ली। अब इस तरफ से हम दो फंदे बाइंड ऑफ करेंगे उल्टा बुनते हुए पर्ल वाइज, एक और ये दो, दो फंदे बाइंड ऑफ किए, बाकी पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे। तो बाकी के फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने जो बैक है इसको बनाकर अब रेडी कर लिया है। ये देखिए बैक भी हमारी बन गई, फ्रंट भी बन गया है। अब हम इसके शोल्डर्स को जोड़ेंगे, कंधों को जोड़ेंगे। ये देखिए अब इस साइड का जो आर्म होल है ये हमारी बैक साइड है इसकी, और आर्म होल इस तरफ आ रहा है। तो ऐसे इन्हें जोड़ेंगे, 20 फंदे ही आर्म होल में है और बीच ही यहाँ पे है। तो हम इन्हें ऐसे ही 3 नीडल बाइंड ऑफ करते हुए जोड़ लेंगे, एक बुना फिर दूसरे को बुनेंगे, पीछे वाले को ऊपर से पास कर देंगे। ज़्यादा लूज नहीं कीजिएगा क्योंकि फंदे थोड़े से हमारे ज़्यादा हैं ये, तो इसे हम थोड़ा टाइट हाथ से ही बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये सारे फंदे 20 के 20 बाइंड ऑफ कर लेते हैं पहले। तो ये हमने एक साइड जोड़ ली फ्रेंड्स। अब ऐसे ही हम ये दूसरी साइड के फंदों को भी जोड़ लेंगे यहाँ से इस तरह से। तो ये भी अब जोड़ लेते हैं, उसके बाद हमने स्लीव बनानी है, बाजू बनाएंगे। तो पहले ये शोल्डर जोड़ लेते हैं। तो देखिए बाजू बनाने के लिए हमने सिंगल धागे से फंदे कास्ट ऑन करने हैं। जो तरीका आपको ठीक लगता हो आप उससे ये फंदे कास्ट ऑन कर लीजिएगा। ऐसे हम ये लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से करेंगे। तो हमने 42 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, 42 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे ऐसे सिंगल धागे से। तो पहले ही 42 फंदे कर लेंगे। ये देखिए हमने ये 42 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा तो सीधा बुनेंगे एच स्टिच क्योंकि फर्स्ट रो है। इसके बाद हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं और चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार।
अब चार फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे हम पूरी रो में ही बुनते जाएंगे। चार सीधे, चार उल्टे, तो ये सारी रो ऐसे बुनते जाएंगे। लास्ट में तीन सीधे रहेंगे हमारे, ये देखिए लास्ट के चार उल्टे आएंगे और उसके बाद हमारे तीन फंदे उस तरफ भी सीधे थे और इस तरफ भी तीन ही फंदे जो है वो सीधे आएंगे। ये देखिए, एक दो तीन, तो ऐसे हमारी रो वन कम्प्लीट हुई। रो टू रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, उल्टे फंदों को तो उल्टा बुनेंगे, एक दो और ये तीन। अब जो ये सीधा फंदा है देखिए, इसे हम इस तरह से नीचे वाले घुमा के इस तरह से बुनेंगे, जैसे पहले भी बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ ट्विस्टेड वाला बॉर्डर। तो जितने भी सीधे फंदे हैं उन्हें हम इस तरह से घुमाकर बुनेंगे, नीचे से लेकर आएंगे, घुमाकर लेकर आएंगे और फिर सीधा बुन देंगे। फिर से उल्टे फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे, सीधे फंदों को नीचे से घुमाकर लेकर आएंगे और फिर बुनते जाएंगे। तो ये रो हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। अब तो पूरी वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए लास्ट के फिर तीन फंदे हमारे ये उल्टे आ जाएंगे। तो ऐसे हमारी रॉ टू कंप्लीट हुई। अब बाकी जैसे हैं फंदे अब हम ऐसे बुनते जाएंगे। एक ही रॉ में हमने ये फंदों को ट्विस्ट करना था। देखिए तीन फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर चार फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे। तो ऐसे हम चार सीधे चार उल्टे का बॉर्डर बुनेंगे और इसकी छह सिलाई पहले बुन लेंगे, सिक्स रॉज। तो ये छह सिलाई बुन लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए, एक दो तीन चार, तो सिक्स रॉज पहले बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने देखिए छह सिलाई बुन ली है और अब हम क्या करेंगे, एक फंदा स्लिप किया यहाँ पे, एक फंदे को दो बार बुन के एक फंदा बढ़ा लेंगे, बाकी रो जैसे है वैसे बुन लेंगे। तो अब ये फंदे चार सीधे हो गए इधर, चार उल्टे चार सीधे। तो लास्ट के दो फंदे तो कैसे बुन लेते हैं पहले, जैसे हैं ये फंदे। ये देखिए लास्ट के दो फंदे रहे, फिर से इस फंदे को दो बार बुनकर एक फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा सीधा। तो ये हमने सातवीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाया। तो ऐसे ही सातवीं सातवीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए हम इसकी टोटल 30 रोज़ बुन लेंगे। छह सिलाई हम बुन चुके हैं, 24 सिलाइयां हम और बुन लेंगे तो हमारी 30 सिलाइयां हो जाएंगी, 30 रोज़ हो जाएंगी। तो अभी हम 24 रोज़ और बुन लेंगे पहले। तो देखिए हमने ये 30 रोज़ 30 सिलाइयां जो है इस तरह से बुन ली है और सातवीं सातवीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते गए थे। अब हमने सातवीं सातवीं सिलाई में एक एक फंदा तो बढ़ाना है, लेकिन इन फंदों को अब हम सीधा सीधा बुनेंगे गार्टर स्टिच से, यानी कि दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए। अब हम इसकी 40 रोज 40 सिलाइयां बुन लेंगे दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए और सातवीं सातवीं सिलाई में एक एक फंदा भी बढ़ाते जाएंगे। तो पहले हम ये 40 सिलाई बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमने बाजू की 40 रोज 40 सिलाई सातवीं सातवीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए बना ली है। और अब ध्यान दीजिए हमने राइट साइड कौन सी रखनी है। देखिए ये जो हमारी रिब्स बनी है यहाँ पे हमारे बटन आने हैं, इसलिए ये वाली रिब बीच में आनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसकी साइड रखिएगा, अगर आप इस साइड पे रख देंगे तो ये रिब यहाँ पे दब जाएगी। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने ये वाली साइड ऊपर को रखनी है जिसमें एक दो तीन चार पाँच सीधी रिब्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब हमारे पास 64 स्टिचेस हैं, 64 फंदे हैं अभी हमारे पास, और हमने यहाँ पे बीच में 12 फंदों की केबल बनानी है, इसलिए हम 26 फंदे इस तरफ रखेंगे, 26 इस तरफ और बीच में 12 रखेंगे। आपके पास जितने फंदे होंगे बढ़ाने के बाद उस हिसाब से बीच के 12 फंदे छोड़ के साइड्स के फंदे उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। तो 26 और 12 ऐसे हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए हमने इन फंदों को डिवाइड कर लिया है, 26 और बीच में 12 फंदे हैं, 26 12। अब हम इन फंदों को इस तरफ से सीधा बुनेंगे
और अगर सातवीं सिलाई में एक फंदा बढ़ाने वाला अगर यहाँ पे बढ़ाना होगा तो वो बढ़ा लेंगे और बाकी रो पूरी सीधी बुन लेते हैं। तो इस तरफ से हमने ये पूरी रो सीधी बुनी और इस साइड से हमने ये 26 फंदे सीधे बुनने हैं और बीच के 12 फंदे उल्टे बुनने हैं जैसे हमने फ्रंट में किया था। तो पहले इन फंदों को यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए इन 26 फंदों को सीधा बुनना, धागा आगे लगाएंगे। अब ये मार्कर हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अब हमें पहचान हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये 12 फंदे उल्टे और फिर आगे के 26 फंदे फिर से सीधे बुने जाएंगे। देखिए अब ये मार्कर भी रिमूव कर लेंगे और इन बाकी के 26 फंदों को सीधा बुन लेते हैं। तो ये पूरी रॉ कंप्लीट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने दो सिलाई और बिल्कुल ऐसे ही बुननी है, इस तरफ से सारी सीधी, उस तरफ से 26 सीधे और 12 फंदे उल्टे फिर 26 सीधे। लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि एक फंदा बढ़ाना भी है सातवीं सिलाई में, तो ये एक फंदा बढ़ा लेंगे। अगर आपको इस बाजू को ज़्यादा पफी नहीं रखना है तो आप नौवीं सिलाई में बढ़ाइएगा, नाइन्थ रो में इंक्रीज कीजिएगा एक एक फंदा दोनों तरफ से। तो अब ये दो सिलाई और ऐसे ही बना लें। तो ये हमने दो सिलाइयाँ और बुन के ट्विस्टिंग शुरू कर दी है जैसे हमने ये किया था। तो फिर आठ सिलाई हम प्लेन बुनेंगे सिंपल, फिर ट्विस्टिंग करेंगे। तो हमने ये ट्विस्टिंग हम कर रहे हैं, उसके बाद एक दो तीन बार और ऐसे ही इसमें भी ट्विस्टिंग कर लेनी है। टोटल चार ट्विस्ट होंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। तो पहले ये ट्विस्टिंग और उसके बाद तीन बार और कर लेते हैं और सातवीं सातवीं सिलाई में जैसे बढ़ा रहे थे वैसे भी बढ़ाते जाएंगे। देखिए हमने ये चार बार ट्विस्टिंग कर ली, एक दो तीन चार, और अब हमारी स्लीव की लेंथ पूरी हो गई है। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप इसे और बढ़ा सकते हैं यहाँ से, मतलब कि बाजू की लंबाई यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप। अब हम यहाँ पे चार बार पहले बाइंड ऑफ करेंगे फंदे, एक दो तीन चार, क्योंकि जिस तरह से हमने अपनी जो बॉडीज हम बनाते हैं उसमें कम किए होते हैं आर्म होल के लिए, वैसे ही हम स्लीव में करते हैं। तो अभी चार किए, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, चार तीन दो एक करके हम इन फंदों को दोनों तरफ से बाइंड ऑफ कर लेंगे पहले। देखिए चार तीन दो एक, चार तीन दो एक करके दोनों तरफ से फंदे कम कर लिए। अब हम तीन फंदे इस तरफ से और तीन फंदे उस तरफ से करेंगे दो बार, यानी कि एक दो तीन ऐसे, फिर ये पूरी रो सीधी बुनेंगे, फिर इस तरफ से तीन, फिर तीन, फिर तीन, यानी दो बार इस तरफ से तीन तीन और दो बार इस तरफ से तीन तीन, फिर दो बार दो दो दोनों तरफ से कम करके फिर सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो अब ये हम कम कर लेते हैं, टोटल हमारा चार तीन दो एक, तीन तीन दो दो करके फंदे कम हो जाएंगे। तो देखिए हमने ये चार तीन दो एक, चार तीन दो एक करके दोनों तरफ से फंदे कम किए। अब हम दो दो करके तीन बार फंदे कम करेंगे, दो इस तरफ से फिर दो उस तरफ से, बाकी रो सीधी। तो तीन बार हमने दो दो करके इस तरफ से और तीन बार दो दो करके इस तरफ से कम करने हैं फंदे, फिर सारे फंदों को इकट्ठे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो जो टोटल हमारा बाइंड ऑफ होगा चार तीन दो एक, दो दो दो, और इस तरफ से भी चार तीन दो एक, दो दो दो, और फिर सारे फंदे एक साथ बाइंड ऑफ। तो ये कर लेते हैं अब। देखिए हमने ये सारे फंदों को एक साथ बाइंड ऑफ कर लिया है इस तरह से, और ये एक स्लीव हमारी बन गई। ऐसे ही हम दूसरी भी स्लीव बनाकर पहले रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स हमारी बन गई है। अब हम फ्रंट का बॉर्डर बनाएंगे बटन बैंड। तो इसके लिए देखिए हम इस तरह से रखेंगे, ये हमारा वी नेक है इस तरफ, तो यहां से लेके यहां तक हमने जहां से वी नेक की कटिंग शुरू की थी वहां तक इन फंदों को उठाना है। यहां से उठाना शुरू करेंगे। ये देखिए एक फंदा उठाया, फिर एक फंदा, ये दूसरा उठाएंगे, फिर एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा उठाया, एक और फंदा, यानी कि दो फंदे उठाते जाएंगे, एक फंदा कास्ट ऑन करते जाएंगे। तो ऐसे हमने ये फंदे जो है यहाँ तक उठा लेना है जहाँ से हमने ये वी नेक की कटिंग शुरू की थी, ये पॉइंट, ये देखिए यहाँ तक उठा लेते हैं पहले। तो हमने ये टोटल 92 स्टिचेस, 92 फंदे उठाए हैं, और ये देखिए अब इन फंदों को इस तरफ से हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे फिर चार फंदे सीधे। तो चार उल्टे चार सीधे का हमने बटन बैंड का बॉर्डर बनाना है।
तो पहले हम इसकी 3 सिलाई बुन लेंगे, फिर हमने बटन होल्स भी रखने हैं तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। तो पहले ये रो बुनने के बाद 3 सिलाई और बुन लेंगे। तो देखिए हमने ये 3 सिलाई 4 सीधे 4 उल्टे की बुन ली है, उसके बाद चौथी सिलाई यानी कि ये राइट साइड है हमारी, तो इन फंदों को हम यहाँ तक फिर से बुन चुके हैं। अब जो हमने छोड़े हैं ये 38 फंदे हैं, 38 स्टिचेस हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार सीधे फंदों वाली लाइन्स जो है ये छोड़ दी हमने, और 2 फंदे उल्टे हैं ये। देखिए यहाँ तक हमने इन्हें बुना है। अब ये जो 2 उल्टे फंदे हैं इन 2 का हम एक कर देंगे, सीधा बुनते हुए भी कर सकते हैं उल्टा बुनते हुए भी। अब इस तरह से हम यहाँ पे डबल जाली बनाएंगे 2 बार धागा घुमा के, और अगले 2 फंदों का भी एक करेंगे। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे बड़ा बटन अटैच करना है। अगर आप नॉर्मल बटन करेंगे तो एक बार ही जाली बनाइएगा धागा आगे करके 2 का एक करते हुए। अब आगे के ये 2 फंदे सीधे आ जाएंगे, फिर ये 4 उल्टे हैं, ये 4 उल्टे ही आएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर 4 फंदे सीधे आएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, 1 और ये 2, और उसके बाद अगले 2 फंदों में फिर से हमने 2 का एक करना है पहले ऐसे, फिर डबल जाली बनेगी यहाँ पे फिर से, और फिर इन 2 सीधे फंदों का एक बना देंगे। तो ये फिर से हमने एक बटन होल बनाया, 2 फंदे सीधे, फिर हम यही करेंगे, 4 उल्टे 4 सीधे फिर 2 उल्टे, फिर यहाँ पे 2 का एक करके जाली बनाएंगे। तो ये रो ऐसे बना लेते हैं आप, ये देखिए ये रो हमने बना ली। अब फिर इस तरफ से हम यही बुनते हुए यानी कि 4 उल्टे 4 सीधे बुनते हुए 3 सिलाई और बुन लेंगे। अब ये जो हमने डबल जाली बनाई थी, एक फंदा ये उल्टा आएगा और इसी को एक को सीधा बुनेंगे, फिर आगे के 3 फंदे और सीधे आ जाएंगे, फिर 4 उल्टे 4 सीधे। तो ये जो हमारी डबल जाली है इसमें से एक फंदा उल्टा और एक सीधा बुना जाएगा। तो ये रो बना के फिर हम 2 सिलाई और बना लेंगे इस रो के बाद। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये इस तरफ का बटन बैंड बन गया है। अब हम इन फंदों को सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे ऐसे। तो ये बाइंड ऑफ कर लेंगे हम, और फिर उसके बाद जो हमारी ये दूसरी साइड है ये सेम यहाँ पे भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसी तरह का जो है बटन बैंड बना लेंगे, उसमें बटन होल्स नहीं बनने हैं। तो देखिए हमने दोनों तरफ के बटन बैंड्स बना लिए हैं। अब हम कॉलर बनाएंगे और कॉलर के फंदे हम यहाँ से उठाने शुरू करेंगे बैक साइड से, क्योंकि कॉलर हमारा अंदर से बाहर की तरफ को बनता है। ये देखिए जहाँ से हमारा बटन बैंड खत्म हो रहा है यहाँ पे हम ये कॉलर के फंदे उठाएंगे। एक फंदा उठाया, एक फंदा कास्टन करेंगे, एक फंदा उठाएंगे, फिर एक फंदा कास्टन करते जाएंगे। तो पूरे हमने यहाँ तक जो ये शोल्डर है हमारा यहाँ तक पहले ऐसे ही फंदे उठाने हैं, एक उठाएंगे एक कास्टन। तो पहले यहाँ तक उठा लेते हैं इन्हें। तो हमने टोटल 28 जिस 28 फंदे उठा लिए हैं। अब जो बैक के फंदे हैं पीठ वाले ये तो हमारे क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 फंदे उठाएंगे ऐसे, 1 और फिर 2, फिर एक फंदा कास्टन करेंगे, फिर 2 फंदे उठाएंगे यहाँ से, 1 और ये 2, एक फंदा कास्टन। तो बैक के फंदे हम इस तरह से उठाएंगे, 2 उठा के 1 कास्टन करते जाएंगे। फिर उसके बाद इस तरफ के अगर यहाँ पे 28 उठाए हैं इस तरफ, तो 28 ही फंदे इस तरफ उठाएंगे, जितने फंदे यहाँ उठाएंगे होंगे उतने ही यहाँ पे उठाए जाएंगे। तो ऐसे अब ये सारे फंदे यहाँ तक उठा लेते हैं। तो हमने ये टोटल 100 फंदे उठा लिए हैं, 100 स्टिचेस उठा लिए हैं। और अब हम 4 उल्टे से शुरू करेंगे, इस तरफ से 4 फंदे उल्टे बुनना शुरू करेंगे, 4 उल्टे 4 सीधे, और इस तरह से अब हम ये बॉर्डर बुन लेंगे। पहले 4 उल्टे बुनने हैं और ध्यान रहे कि लास्ट में भी 4 उल्टे ही आने चाहिए। अगर आपके फंदे लास्ट में 4 उल्टे नहीं आते हैं तो कुछ फंदे बढ़ा या कम कर लीजिएगा। तो ऐसे अब हम ये बॉर्डर की कुछ रोज बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कितनी सिलाइयां हमने टोटल बुननी है। तो फ्रेंड्स हमने जो है 100 फंदों का 4x4 बुनते हुए 4 सीधे 4 उल्टे बुनते हुए 30 सिलाइयां 30 रोज बुन ली है कॉलर के लिए। और अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, 100 फंदे हैं ये। देखिए जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा बुनते हुए,
और जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे, और ढीला ढीला लूज़ लूज़ बाइंड ऑफ कीजिएगा, बिल्कुल भी टाइट नहीं रखिएगा इसे। चाहे तो बड़े नंबर की नीडल ले सकते हैं। अब उल्टे फंदे जो हैं इन्हें उल्टा बुनते हुए इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। तो ऐसे हम सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम ये देखिए यहाँ से स्लीव अटैच करेंगे, बाजू अटैच करेंगे, और फिर साइड्स को भी सिल लेंगे, और यहाँ पे जो बटन्स है वो भी लगा लेंगे, और तीन बटन्स ये लगने हैं ये भी। तो अब हम पूरा इसे फिनिश करके फिर देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है, और फिर मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स भी बताऊंगी इंचेस में। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे स्टिच करके रेडी कर लिया है, और पहनने के बाद ये कैसा लगेगा वो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।